दोस्तों, इस वीडियो में आपको कोट के राउंड पैटर्न की कटिंग करना बताएंगे। इस तरह दोस्तों, अपने पैटर्न कटिंग करने के बाद में हर एक कोट में यही पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए किस तरह से कटिंग करना है। सबसे पहले मैंने ये एक पैटर्न लिया, तो इसके बाद में दोस्तों, जो नीचे से अपने मोड़ा हुआ है उसको बिल्कुल इस तरह निशान लगा के सीधा कर लेना है। और इस साइड में दोस्तों, इस तरह से शेप पट्टी को रखना है आपको, और कोट में जो मार्जिन छोड़ना है उस मार्जिन को आधा इंच से 1 फुट कम का छोड़ के आप इस तरह मार्का कर लें। क्रॉस में मार्का लग जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, आप इस तरह राउंड कर लें। तो दोस्तों, इस तरह से अपना मार्के का पैटर्न बन जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये दोनों बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब इसको इस तरह से कटिंग कर लें। मैं आपको दोस्तों यही गुलाई कोट पे निकाल के दिखाने वाला हूँ, आप देखते रहिए। आगे जल्दी ही नया पार्ट आएगा, उसमें आपको यही पैटर्न की गुलाई दिखाएंगे कोट में किस तरह बनी है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। इस तरह से दोस्तों, कैंची से आप अब इसको राउंड कर लें। वैसे दोस्तों, आप पहले मार्का करके उससे निशान करके गोल राउंड तो इस तरह कटिंग करें। दोस्तों इसी पैटर्न को हर एक कोट में यूज़ कर सकते हैं राउंड के लिए। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, लगभग 3 इंच तक कटिंग कर लें पैटर्न को, और यहाँ तक 6.5 से 7 इंच लंबा कटिंग कर लें। अब दोस्तों ये किस तरह रखना है पैटर्न और किस तरह मार्का करना है ये भी देख लीजिए, तो आगे आपको आसानी से पता चल जाए कि किस तरह पैटर्न कटिंग करते हैं और पैटर्न किस तरह लगाते हैं और राउंड किस तरह बनाते हैं। अब दोस्तों इस साइड में आधा इंच से 1 फुट कम में मार्का कर लिया, और नीचे जो सीधा किया हुआ है कपड़े को वो सीधे में सीधा रखना है। इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह बिल्कुल पैटर्न रख के मार्का करना होता है। दोस्तों यहाँ पे टुके के लिए भी मार्का लगा लेते हैं। इस तरह से पहले दोस्तों एक मार्का सीधा करना है आधा इंच से 1 फुट कम का, और सामने में भी उसी तरह। इस तरह ये मार्का होने के बाद में आप 1.5 इंच का ठुका बांधेंगे, तो उसके लिए ये निशान लगा लेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को।